जैसे वीडियो शूट कर रहे हो तो गांव वाले या रिश्तेदार कोई कहता नहीं है कि कुछ नहीं रखा इन चीजों में या कुछ भी करके, ऐसा कोई कहता हो? मनोबल गिराने वाली बात बोलते हैं जिसको। नहीं, गांव में तो देखो, मैं आप गांव में तो रहता नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ, बड़ोती रहता हूँ। तो और रही बात रिश्तेदारों की, बोलते हैं कि कर, इसमें कुछ बुराई नहीं है करने में, क्योंकि हम गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे आपने वीडियो बनाना शुरू किया था तो घबराहट नहीं हुई कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम? नहीं, स्टार्टिंग में तो कुछ भी काम कर लो घबराहट ही होती है। पढ़ने बैठ जाओ ना, नर्सरी में बैठते हैं कितने दिन तक, तो स्कूल नहीं जाते, लंच में घर भाग आते हैं, तो घबराहट तो हर चीज में होती है। और घर वालों का भी सपोर्ट है आपको, और पढ़ाई लिखाई में मतलब कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता वीडियो शूट करते टाइम? देखो, डिस्टरबेंस तो आप अगर कुछ करोगे भी नहीं ना पढ़ाई के साथ, डिस्टरबेंस तो जब भी होता है, पढ़ने बैठोगे नींद तो आएगी। एवरेस्ट 24 न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को नविता तोमर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम पहुंचे हैं बड़ौत में चिराग जी के पास, जिनका चैनल है इट्स अवर ट्रेंड यूट्यूब पर। तो कॉमेडी बनाना इनका शौक है, आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलते हैं। तो नमस्कार चिराग जी, स्वागत है आपका एवरेस्ट 24 न्यूज पर। नमस्कार। तो आपको ये कॉमेडी बनाने का, वीडियो शूट करने का शौक कहाँ से लगा? देखो, स्टार्टिंग तो हमने इसलिए की थी कि मतलब हम शॉर्ट मूवीज बनाए, मतलब कॉमेडी हो या ना हो, मतलब स्टोरी लोगों की समझ में आए। पर उसके बाद में हमने 10-15 मिनट की वीडियो बनाई, वो पूरा दिन शूट करने में लग गया, वो डाली हमने, उस पर व्यू नहीं आए। उसके बाद में हमने जो डायलॉग्स वगैरह की होती है ना, ये छोटी वीडियोज बनाई, उस पर हमारे व्यूज भी अच्छे आए। तो उसके बाद हम कॉमेडी साइड ही आ गए कि मतलब कॉमेडी बनानी है, क्योंकि क्या है ना कि हमारे इधर लोग कॉमेडी ज्यादा देखते हैं, स्टोरी वाली मूवी कम देखना पसंद करते, तो इसलिए फिर हम कॉमेडी साइड ही आ गए, कॉमेडी बनाते हैं हम। ठीक। और आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी हुई है? पढ़ाई मैं 12th पास आउट कर रखी है जी, और उसके बाद में मैं 10th बेस पे पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन ले लिया था। तो मेरी अब उसकी लास्ट ईयर है, मेरे 4 सेमेस्टर उसके हो गए, 2 बाकी है अभी। और गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है वीडियो में या खाली? नहीं, गेम्स में भी था, स्टार्टिंग में सोचा था 10th जब मतलब हुई नहीं थी जब तक, तो मैं टेबल वगैरह भी बनवा ली थी कि मेरे को गेमिंग करनी है, जब पबजी का बहुत ज्यादा क्रेज था। पर उसके बाद में मतलब इतना था नहीं, बजट इतना नहीं था कि इतना बड़ा सेटअप बनवा ले या फिर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते गेम में, जबकि कुछ मतलब इनकम भी नहीं हो रही है, तो घर वाले स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल। और जैसे वीडियो शूट करते हो तो घर वालों का सपोर्ट है? नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं था, पर अब है। अब है। और वीडियो शूट करने के लिए दूर दूर जाते हो खाली यूपी में ही? नहीं, यूपी में ही करते हैं, गांव वगैरह में। जैसे मतलब बहुत सारे टीम मेंबर है, सागर है, उसका गांव हो गया, अभिषेक, प्रिंस, इनके गांव में स्टार्टिंग में हमने, दानिश है उसके गांव में शूट की थी खटखटी में वीडियो, और एक हमारे वहाँ पे है घर के, वहाँ पे भी कर लेते हैं, जैसे मतलब लोकेशन देख लेते हैं कि उससे करनी है वीडियो शूट जी। और घर वालों का भी सपोर्ट है आपको जी। और पढ़ाई लिखाई में मतलब कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता वीडियो शूट करते टाइम? देखो, डिस्टरबेंस तो आप अगर कुछ करोगे भी नहीं ना पढ़ाई के साथ, डिस्टरबेंस तो जब भी होता है, पढ़ने बैठोगे नींद तो आएगी। तो जब नींद आती है उसके बाद में स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाता हूँ, उसके बाद में फिर नींद नहीं आती। अच्छा। क्योंकि कुछ भी कर लो नींद तो आएगी, पढ़ाई करते हुए नींद तो आएगी। तो जितना टाइम हम बोर होते हैं उस टाइम में स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, या यूट्यूब पे देख लेते हैं कि कैसे मतलब ग्रो करें और ज्यादा। और शौक कब से लगाइए वीडियो शूट करने का? शौक तो 10th के बाद में लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद में स्टार्ट की थी बनानी वीडियो। एक अभिषेक है मेरा टीम मेंबर है, उसने स्टार्ट की थी सबसे स्टार्टिंग में, उसने स्क्रिप्ट भी उसने लिखी थी, सब कुछ उसने किया था। तो वो कह रहा था कि कर लो कर लो, उस वीडियो में मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ मैं बनाऊं, लेकिन उस पर जब मतलब थोड़े अच्छे व्यू आए और मतलब आसपास के लोगों ने भी बोला कि हाँ मतलब कुछ है, अच्छा है, फिर उसके बाद में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, उसने एडिटिंग और स्टार्ट कर दी, वो कैमरा भी वही चलाते हैं हमारी टीम में। ठीक। और जैसे वीडियो शूट कर रहे हो तो गांव वाले या रिश्तेदार कोई कहता नहीं है कि कुछ नहीं रखा इन चीजों में या कुछ भी करके, ऐसा कोई कहता हो? मनोबल गिराने वाली बात बोलते हैं जिसको। नहीं, गांव में तो देखो, मैं आप गांव में तो रहता नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ, बड़ोती रहता हूँ। तो और रही बात रिश्तेदारों की, बोलते हैं कि कर, इसमें कुछ बुराई नहीं है करने में, क्योंकि हम गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं। और मतलब वो बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कर तो ठीक है, मतलब अगर एक चीज की साइड जाएगा तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि मतलब वो उनके टाइम पे वो चीज थी नहीं कि मतलब यूट्यूब से कोई ग्रो कर रहा है, वो कम लोग जानते हैं, मतलब जो यूट्यूब से ग्रो कर रहा है वो पढ़ने लिखने वालों को जानते हैं कि हाँ ये ग्रो कर रहा है, पढ़ रहा है। जैसे आपने वीडियो बनाना शुरू किया था तो घबराहट नहीं हुई कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम? नहीं, स्टार्टिंग में तो कुछ भी काम कर लो घबराहट ही होती है, पढ़ने बैठ जाओ ना, नर्सरी में बैठते हैं कितने दिन तक, तो स्कूल नहीं जाते, लंच में घर भाग आते हैं, तो घबराहट तो हर चीज में होती है। तो यहाँ ज्यादा हुई या कम हुई स्टार्टिंग से? नहीं, स्टार्टिंग में तो थी घबराहट, अब तो है ही नहीं, अब तो कुछ भी शूट करा लो, कुछ ही शूट करा लो। और जैसे आपके चैनल पे कोई कमेंट भी आते हैं तो एक दो कमेंट ऐसा है जो सुन देख के मतलब पढ़ के अजीब सा महसूस हुआ हो कि हाँ भाई यार ऐसे कह दिया इन्होंने?
हाँ बहुत सारे कमेंट आए थे एक वीडियो पे, रिप्लाई भी करते हैं उनका। हाँ कुछ का करते हैं कुछ का नहीं करते हैं, वो मतलब बोलते हैं कि अच्छी नहीं है वीडियो, हंसी नहीं आई, थोड़ा इस तरीके से करो उस तरीके से करो, लेकिन जब कोई करता है ना उसको पता लगता है वो किस तरीके से कर रहा है। बिल्कुल हाँ, लोग बोल देते हैं कि इस तरीके से कर उस तरीके से कर, जब वो करने बैठता है उसको जब पता लगता है किस तरीके से, स्क्रिप्ट में कितना टाइम लगता है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और लाइव नहीं जाते तुम लोग, लाइव जाने के लिए कोई दिन फिक्स करो ताकि लोग आपको देखे, लाइव आओगे तो तभी तो आपकी वीडियो और भी ज्यादा वायरल होंगी, एक दिन चुनो कोई। जी लाइव आ जाए, लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे टीम मेंबर ऐसे है ना, मतलब दो एक साथ इकट्ठा हो गए उस दिन, वो तीन गायब रहते हैं, दिन आते ही नहीं ना। तो फिर संडे वगैरह का दिन रखो जिससे लोगों को पता चले कि आप लाइव आ रहे हो, जितना ज्यादा लाइव आओगे हर वीक लाइव आने से आपका ही प्रॉफिट है ना। सोचा तो मैंने भी यही था कि द्वारा ही दर्शकों को बताओ कि हम इस दिन लाइव आएंगे, उससे आपका चैनल भी ग्रो। तो अब हम मतलब सैटरडे का दिन फिक्स करते हैं, क्योंकि संडे को तो हम शूट करते हैं वीडियो, सैटरडे का दिन फिक्स करते हैं, सैटरडे को हम करेंगे लाइव आएंगे। तो दर्शकों देख लीजिए, इट्स अवर ट्रेंड वाले सैटरडे को लाइव आया करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सपोर्ट हमारे भी कीजिए, एवरेज 24 न्यूज को। थैंक यू।